महिला नसबंदी कैंप में हद दर्जे की लापरवाही, ऑपरेशन किए और महिलाओं को लेटाया फर्श पर, कड़ाके की ठंड में ठिठुर गई महिलाएं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं, इसकी एक और मिसाल देखने मिली गुना के मकसूदनगढ़ से। मकसूदनगढ़ में महिला नसबंदी कैंप लगाया गया था और ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं को सुबह बुला लिया गया था। महिलाएं अपने परिजनों के साथ मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र महिला नसबंदी कैंप ऑपरेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, पर हैरानी की बात तो यह रही कि सुबह से शाम हो गई डॉक्टर का इंतजार करते करते, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। शाम करीब 6 बजे के आसपास डॉक्टर कैंप में पहुंचे और महिला नसबंदी कैंप में महिलाओं के ऑपरेशन किए गए, जिसमें करीब 110 महिलाओं के ऑपरेशन हुए। कैंप में कोरोना के नियम दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। महिलाओं की और उनके परिजनों की काफी भीड़ मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में लगी हुई थी और हर कोई पहले अपनी अपनी बारी की कोशिश में लगा हुआ था। कोरोना नियमों की धज्जियां तो महिला नसबंदी कैंप में उड़ ही रही थी, पर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर जब निकल कर सामने आई, जब ऑपरेशन के बाद महिलाओं को कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे जमीन पर लिटा दिया गया था। एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जनों महिलाएं जिनका ऑपरेशन कैंप में हुआ था वह जमीन पर पड़ी हुई थी और इस कड़ाके की ठंड में ठिठुर रही थी। उनके छोटे छोटे बच्चे भी महिलाओं के साथ थे। किसी ने जुगाड़ किया तो दो मोटरसाइकिल पर झूला बना लिया और बच्चों को झूले में झुलाने लगे। अस्पताल कैसे आई? ऑपरेशन करावा। किसको लेके आई थी? लाड़ी अपनी चोटी। तो यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था है कि नहीं? कुछ नहीं। तो कहाँ है वो, कहाँ पे है आपकी लाड़ी? ये पड़ी। दादा आपका नाम? विलास है। कहाँ के हो? भगवतपुर के रहने वाले। तो अस्पताल कैसे आए? अरे अस्पताल कैंप लगा तो उसमें देखो ना, ऐसे नीचे सब पूरी ऐसी जनता पूरी पड़ी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये महिलाएं हैं, इनके ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ, ऑपरेशन हुए ना। ऑपरेशन वाली महिलाएं हैं? हाँ, ऑपरेशन वाली महिला है की। तो कोई व्यवस्था व्यवस्था नहीं है? तो आप देख तो रहे, कोई व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था नहीं है, पड़ी भी ऐसे ही नहीं। आपका नाम? रोड़े लाल। कहाँ के हो? देना। यहाँ कैसे आया अस्पताल? अस्पताल आए, उन्हें मरीज लाए और कहीं ऑपरेशन कराने आए क्या? ऑपरेशन ही कराने आए। किसको लाए थे? संजू भाई अपने घर से। तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? कैसी नहीं है व्यवस्था, नीचे पड़ी जनता। मेरा नाम भंवर सिंह राजपूत, मऊ का रहने वाला हूँ, पंचायत मेरी मऊ है। इसके अलावा जो यहाँ आज ऑपरेशन हुआ है, इसमें यहाँ की आप स्वयं व्यवस्था देख सकते हैं, खुले में पूरी ऑपरेशन वाली बाहर पड़ी है, इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं। सारी महिलाएं बाहर हैं? पूरी महिलाएं बाहर है, आप स्वयं आंख से देख सकते हैं। तो ये खुले आसमान के नीचे सारी महिलाएं ऑपरेशन वाली लेटी हैं? ऑपरेशन वाली पूरी लेटी हुई है। लगभग कितनी महिलाएं होंगी बाहर? लगभग 150 के करीब महिलाएं। हाँ, कमरा है यहाँ पे, खोले नहीं जा रहा है, पब्लिक परेशान हो रहे हैं, खुले में पड़े हैं। सरकार को सुविधा करना चाहिए, जो कमरा है जो क्यों बंद कर रखे हैं? ये सारी महिलाओं के ऑपरेशन हुए? ये पूरी महिला ऑपरेशन वाली है। ये देखो। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए मकसूदनगढ़ महिला नसबंदी कैंप की यह तस्वीरें काफी हैं, जो सारे सिस्टम की पोल खोलती दिखाई दे रही हैं और सारे स्वास्थ्य विभाग के महिला नसबंदी कैंप में की गई व्यवस्थाओं को आईना दिखा रही हैं। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हुआ था, उनके परिजन टेम्पो की मदद से महिलाओं को अपने घर ले गए, पर सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाखों करोड़ों रुपए कैंपों में व्यवस्था करने के लिए खर्च किए जाते हैं और जमीनी स्तर पर कैंपों में व्यवस्था दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। ना तो कोरोना नियमों का ख्याल था और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क था, जबकि जिन महिलाओं का ऑपरेशन हुआ था वो महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जमीन पर पड़ी हुई थी। ये महिला नसबंदी कैंप की तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को आईना दिखाने के लिए काफी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मकसूदनगढ़ से टोनी शाह। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।